जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पहली बार विश्व के इतिहास में। पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपनी आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैरबे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। सत श्री अकाल, मेरा नाम दिव्या संधु है और मैं एक मोटरसाइकिल पैशनेट मोटरसाइकिलिस्ट हूँ, स्विम कोच हूँ। रिसेंटली मैंने एक राइड करी है 6000 प्लस किलोमीटर की फॉर अ स्पेशल कॉज, और कॉज है येस टू एजुकेशन नो टू ड्रग। और राइड मैंने ये 6000 प्लस करा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही एडवेंचरस था ये मोटरसाइकिल ट्रिप, क्योंकि मेरे साथ एक और फीमेल राइडर थी एंड वी आर द फर्स्ट फीमेल डीयू जिन्होंने एक ऐसा कॉज किया है। हमसे पहले किसी ने अभी तक किया नहीं ये कॉज, और हम लोगों ने काफी लोगों से इंटरेक्शन किया रास्ते में, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें मिले। मैं पहले भी इस तरह की एक राइड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो एक और फीमेल राइडर थी उनका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश और नया है। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि इस बार मैंने काफी ज्यादा लोगों से बात करी, उनको एजुकेशन के बारे में बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ राइड सेफ्टी के बारे में बताया। सो यस, इट वॉज फन लर्निंग। और मोटरसाइकिल से गए थे हम लोग, तो जाहिर सी बात है डस्ट था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड पर, डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बट सारे चैलेंजेस हम लोगों ने एक्सेप्ट करे। इट वॉज अ ग्रेट राइड। हाई एवरी वन, माई नेम इज डोनीटा। आई जस्ट रिसेंटली कम्प्लीटेड मोटरसाइकिल राइड ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वेयर वी कवर्ड क्लोज टू 6000 प्लस किलोमीटर्स अक्रॉस 13 डेज। आई डिड दिस अलॉन्ग विद अनदर एक्सपीरियंस राइडर, एंड what one particular learning that I had from this particular ride was that I got an opportunity to, one, of course, interact with people across the different states that we were passing every day. There was so much to learn about the different traditions, the architecture, food, or even the culture that each state follows, and that sort of goes on to show how vibrant and how diverse our country is. In addition to this, the reason why this ride was special is because it was for a social cause, which was to say yes to education and no to drugs. The whole point behind this was to speak to people along the way, along the ride, where we were telling them about the importance of this. And after we had spoken to them, we also asked, we made small snippets where we also asked them to say the message on video for us, and also to take a pledge that they would go ahead and also speak to other people about the cause as well. And as far as we know, that this is the first time that two female riders have attempted this particular ride on the Golden Quadrilateral for a social cause. So we're excited to have done this, and we're hoping to do much more in the near future.